होल 10 ओवर 35 मल्टीप्लाई 8 होल 2 बाय 5 मल्टीप्लाई 9 होल 3 बाय 11। दिस इज द क्वेश्चन गाइस, क्या करेंगे जी? अब आसानी से इनको जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेकर जाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत आसान है जी, 5 को 35 से मल्टीप्लाई कर दें, 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 355। 355 35 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 25 5 आ जाएगा, 2 कैरी, 5 को मल्टीप्लाई करें 5 3 15 और उसमें आप क्या करेंगे, 5 जो है इसमें 5 3 15 बस 175 गाइस आंसर आ जाएगा 175। इसमें क्या करेंगे, प्लस 10 करेंगे तो ये 5 प्लस 8 प्लस 1 185 आ जाएगा गाइस 185। इसको सॉल्व करने के बाद ओवर 35 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 5 से करेंगे 8 5 जार 40 प्लस 2 कर देंगे उसमें 42 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई करने की 9 को 11 से करेंगे 11 9 जार 99 और उसमें प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास 102 आ जाएगा ओवर 11। ये हमारे पास गाइस क्वेश्चन बन गया। अब हमने इसकी करनी है कटिंग, बहुत आसान से हम इसको कर सकते हैं। ये देखें जी, अगर इसको देखें 5 5 7 जार और 5 3 जार 15, यहाँ से 18 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 बचा, 3 को इसके साथ मिलाया तो यहाँ पे आ जाएगा 7, क्यों 35 होगा, 5 7 जार 35। क्लियर गाइस? यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे किसी और से कोई कट होता है, 7 1 जार 7 6 जार फाइन। अब हमारे पास क्या बचा, 37 ओवर 1 मल्टीप्लाई 6 ओवर 5 मल्टीप्लाई 102 डिवाइडेड बाय 11। अब देखें कि ये कट होता है कि नहीं, ये कट नहीं होता, 5 पे 37 नहीं होता ये। तो अब हमने क्या करना है, अब 5 और 11 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 55। अब 37 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 102 तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 22,644। अब हमने क्या करना है, इसको करना है डिवाइड 22,644 को 55 पे। फर्स्ट टू डिजिट ये पहला डिजिट लिया स्मॉलर है, फिर 22 हो गया, फिर 20 हमारे पास क्या हो गया 6। अब 55 को पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 220। माइनस का साइन 6, हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब ऊपर से 4 उठा लेंगे नीचे की तरफ तो अब ये जाएगा 55 1 55 14 से इसमें से कैरी लेंगे, ये 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9 और ये यहाँ पे 5 में से 0। अब ये वाला 4 जो है वो नीचे ले आएंगे, 54 2 करेंगे 110 होगा, फिर 1 करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 54। तो यहाँ पे आप देखें फिर ये आ जाएगा 9 और यहाँ पे 8 रह गया, 8 में से 5 गया 3। अब आंसर लिख लेते हैं जी, 411 होल 39 डिवाइडेड बाय 55। अब देखते हैं जी हमारा आंसर ठीक है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 411 मल्टीप्लाई 5 तो ये आ जाएगा आपके पास 60, ये आपके पास आ जाएगा 22,605 और इसमें प्लस करेंगे 39, ये जो हमारे पास है ना, तो इसको किया तो आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 9 14, यहाँ पे 1 आ गया,
ये 4 आ गया और ये आ गया 6, ये 22,000। तो ये देखिए जी, हमारे पास फिर वही वाली वैल्यू आ गई जो हमने ये ली थी। तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ये ठीक है। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिए।